हे गाइस, डेविल हियर। ड्यून पार्ट 2 की कहानी वैसे शुरू होती है जहां से इसका फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था। हारकोनन ने जो रात को धोखे से हमला किया था, जिसमें पॉल के डैड और उसका सारा अट्रिडेश वंश मारा गया था, और वो अराकस प्लैनेट के रेगिस्तान में अपनी माँ लेडी जेसिका के साथ अराकस प्लैनेट के मूल रहवासी फ्रेमिन में शामिल हो गया था, जिसके लिए उसे लड़ाई में फ्रेमिन में से एक को, जिसका नाम चैमिस था, प्रथा के अनुसार मारना पड़ा था। तो अब उसके आगे की कहानी हमें दिखाई जाती है, जहां एम्परर यानी सम्राट की बेटी प्रिंसेस एरुलन अपनी शाही डायरी में साल 10191 में एट्रिडेस के खात्मे का हादसा लिख रही थी। वो बताती है कि कैसे उसके बाप यानी सम्राट के लिए हारकोनन पहले भी उससे कई घिनौने काम करते आए हैं, लेकिन एट्रिडेस का अंत उसमें से सबसे ज्यादा घिनौना था। अब अगले सीन में हमें पॉल की आवाज सुनाई देती है, जो अपनी माँ लेडी जेसिका के पेट में पल रही अपनी छोटी बहन से बात कर रहा होता है। अब मैं तुम्हें बताता चलूं कि लेडी जेसिका बेने केजरेट नाम के एक खास ग्रुप से आती है। इसमें सभी औरतें होती है जिनके पास कई मायावी शक्तियां होती है, और सीक्रेटली ये ड्वेन की पॉलिटिक्स को भी मैनिपुलेट करती है। अब क्योंकि पॉल एक विच का बेटा है बेने केजरेट का, तो उसमें भी ये शक्तियां होती है। तो पॉल अपनी छोटी बहन से कहता है कि पापा अब नहीं रहे, क्या तुम उनके पास सितारों में जाना चाहोगी, क्योंकि ये दुनिया बेरहमी की हदें पार कर चुकी है और मुझे डर है कि मैं तुम्हारे आने तक सब कुछ ठीक नहीं कर पाऊंगा। एक्चुअली में वो नींद में होता है, और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो रेगिस्तान में लेटा होता है, जहाँ उसके साथ जानी, उसकी माँ लेडी जेसिका और फ्रेमिन सरदार स्टेलगार भी होता है। वहाँ कुछ हारकोनन आते हैं जिन्हें चाल बनाकर फ्रेमिन मार देते हैं। पॉल कहता है वो यहाँ देखने आए थे कि कोई एट्रिडेस जिंदा है कि नहीं। तो स्टेलगार कहता है खुद को इतना इम्पोर्टेंस मत दो, हम इस वक्त गहरे रेगिस्तान में है, और वो जानते हैं कि यहाँ बस फ्रेमिन ही जिंदा रह सकते हैं, तो वो यहाँ हमारे लिए आए थे। इसके बाद फ्रेमिन सभी हारकोनस का पानी निकाल लेते हैं और उन्हें रेत के कीड़ों के हवाले कर देते हैं, और अपने उस साथी के लाश को लेकर निकलते हैं जिसे पिछले पार्ट में पॉल ने मारा था, जिसका नाम चैमिस है। इधर अराकस प्लैनेट के नॉर्थ में रब्बान बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि एक तो उसके लोग अभी तक साउथ अराकस पर कब्जा नहीं कर पाए थे, और ऊपर से अराकस के दक्षिण में गहरे रेगिस्तान में उसके कई हारकोनस मारे गए थे। अब अगले सीन में हमें दिखता है कि पॉल और उसकी माँ को रेगिस्तान में स्टेलकार उसके इलाके में ले जाता है, जहाँ उसे देख कर बहुत सारे लोग उस पर भड़कते हैं, क्योंकि उसने उनके साथी को मारा था। ज्यादातर ये लोग जवान थे, लेकिन कुछ लोग लिसन अल्काइब का नाम लेकर उसे सलाम भी कर रहे थे। ये वो लोग थे जो सदियों पहले किए गए भविष्यवाणी में विश्वास रखते हैं। दरअसल भविष्यवाणी के हिसाब से एक मसीहा आएगा जो फ्रेमिन को और उनके प्लैनेट को परग्रहियों से आजाद करेगा, और अराकस प्लैनेट पर फिर से हरियाली वापस आएगी। तो स्टेलगार, जो कि इस भविष्यवाणी का कट्टर समर्थक है, वो अपने मुखियाओं से पॉल और उसकी माँ को उनके साथ रखने की मांग करता है। उनकी तरफदारी में वो कहता है कि उसने चैमिस को एक फेयर फाइट में हराया है, वो हमारी भाषा बोल सकता है और हमारे तौर तरीके जल्दी सीख रहा है, पर वो सभी हर बार की तरह स्टेलगार के विश्वास का मजाक उड़ाते हैं। तो स्टेलगार एक योजना बनाता है। दरअसल उनकी गुरु माँ बूढ़ी होने के कारण बहुत ही जल्द मरने वाली होती है, और लेडी जेसिका भी एक बेने केजरेट थी, तो वो अगली गुरु माँ बन सकती है। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने मारना। स्टेलगार ने बड़े ही चालाकी से गुरु माँ के बहाने से पॉल को अपने लोगों में शामिल कर लिया, ताकि भविष्यवाणी सच हो सके। एलजामिन को प्रेमिन के विधि अनुसार विदा किया जाता है, जहाँ उसका सारा पानी निकाल कर एक तालाब में डाला जाता है। ये तालाब बहुत बड़ा होता है, और यहाँ हर शहीद प्रेमिन के पानी को डाला जाता है। खैर, अब अगले सीन में लेडी जेसिका को एक गुफा में ले जाते हैं, जहाँ उसे रेतीले कीड़े का विष पिलाया जाता है, जिसे गुरुमा और उसके लोग वाटर ऑफ लाइफ कहते हैं। ये पॉइजन बहुत जहरीला होता है, पर गुरुमा की मायावी आवाज का ऑर्डर मानकर ना चाहते हुए भी जेसिका उसे पी जाती है और सर्वाइव भी करती है। हैरानी की बात तो ये है कि उसके पेट में जो उसकी बेटी होती है वो भी बच जाती है, और मरने से पहले गुरुमा कहती है कि ये हमने क्या कर दिया। दरअसल इस रेतीले कीड़े के विष को जो भी सर्वाइव करता है उसे कई शक्तियां मिलती है, पर इनको नहीं पता था कि जेसिका प्रेग्नेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि मरती हुई गुरुमा का इशारा उस छोटी बच्ची की तरफ था, जो पैदा होने से पहले ही ताकतवर बन चुकी थी। खैर, बाहर नई पीढ़ी और धार्मिक कट्टरपंथ वाली पुरानी पीढ़ी के बीच बहस चल रही होती है। जो लोग इस भविष्यवाणी में मानते थे वो लेडी जेसिका के बचने को चमत्कार समझ रहे थे, और बाकी सब उसका विरोध कर रहे थे। पर पॉल उन दोनों को आकर कहता है ये कोई चमत्कार नहीं है,
बल्कि बेनी गेजरेट को ये तामील दी जाती है कि वो जहर को झेल सके। वो कोई मसीहा नहीं है, वो बस ब्रह्मिन के तौर तरीके सीख कर अपने बाप का बदला लेना चाहता है। हालांकि हम सब जानते हैं कि विश्वास का कोई तोड़ नहीं है, तो शिलगार और उसके साथी अब भी पॉल को मसीहा मानते हैं क्योंकि वो कट्टरपंथी है। और वैसे भी अंधविश्वास का कोई तोड़ नहीं है। खैर, होश में आने के बाद जेसिका बताती है कि उसकी बहन मुझसे बात करने लगी है। जाहिर सी बात है कि वाटर ऑफ लाइफ का ही असर है। जेसिका पॉल को भी वो विष पीने को कहती है ताकि उसे सभी चीजों में उसकी पावर्स बढ़ने से क्लियरिटी मिले। अगले सीन में स्टेलगार उसे रेगिस्तान के सफर पर भेजता है ताकि वो भ्रमण के तौर तरीके सीख सके, पर चान्य उसकी मदद करनी चाहती है ताकि वो अकेला मारा ना जाए। और यहाँ से पॉल और चैनी में नजदीकियां बढ़ जाती है। पॉल ब्रेमिन के साथ मिलकर अपने जीवन की पहली लड़ाई हारकोनन के खिलाफ जीत जाता है, जहाँ वो स्पाय निकालने वाली मशीन को तबाह कर देता है। उसी रात पॉल सभी ब्रेमिन को बताता है कि हमें उत्तर की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, जहाँ सदियों से हारकोनन ने कब्जा कर रखा है। और उसकी बातें सुन के सभी उसे ब्रेमिन मान लेते हैं और स्टेलगार उसे उसूल नाम देता है। साथ ही में उसे अपना जंगली नाम भी रखना होता है जिसे वो कोड वर्ड में यूज करेगा। तो पॉल अपने आप को मोदीप नाम देता है। अगले सीन में पॉल चैनी से अपने प्यार का इजहार करता है और वो मान जाती है, मगर इधर रब्बान की हालत टाइट होती है क्योंकि पॉल ब्रेमिन के साथ मिलकर एक के बाद एक स्पाइस की मशीनें तबाह कर रहा होता है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका चाचा जागीरदार लॉदिर या तो उसे मार देगा या फिर उसे अराकी से निकाल कर वहाँ किसी और को भेजेगा, और उस पर भी सम्राट का दबाव है। अगले सीन में हमें दिखता है कि पॉल को फिर से बुरे ख्वाब आने शुरू हो गए हैं। इस बार उसने देखा कि वो किसी औरत का पीछा कर रहा है, जिसकी वजह से धर्म युद्ध शुरू होगा और लाखों लोग मारे जाते हैं। और हाँ, जिन्हें भी नहीं पता उनको मैं बता दूं कि अक्सर पॉल के सपने सच हो जाते हैं। अब आगे पॉल का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है, जिसे अगर उसने पार कर लिया मतलब वो पूरी तरह से ब्रह्मिन बन जाएगा, क्योंकि उसे रेतीले कीड़े की सवारी करनी पड़ेगी जिसे ब्रह्मिन लोग हुलूद कहते हैं। सभी उसे देख रहे होते हैं और पॉल एक बहुत बड़े हुलूद को कंट्रोल कर लेता है। ये अब तक का देखा गया सबसे बड़ा हुलूद यानी रेतीला कीड़ा था, जिसे वो शाही हुलूद के नाम से पुकारते हैं। इधर लेडी जेसिका हर तरफ ये फैलाती है कि उसका बेटा ही मसीहा है और अब वो दक्षिण में जा रही है ताकि ज्यादा कट्टरपंथियों को पॉल ही मसीहा है इस पर यकीन दिला सके। लेकिन चैनी को ये बात पसंद नहीं है और वो पॉल से उसकी शिकायत करती है कि वो लोगों को भड़का रही है। अगले सीन में लेडी जेसिका के दक्षिण निकलते वक्त पॉल उससे बात करता है, जहाँ उसकी अपने माँ से बहस हो जाती है और उसे ये एहसास होता है कि सपने में देखने वाली औरत और कोई नहीं उसकी माँ है। अपने माँ के जाते ही पॉल उत्तर में अराकिन, जो अराकिस प्लेनेट के उत्तर भाग की राजधानी मानी जाती है, उसके एक स्पाई डेप पर हमला कर देता है। और यहाँ हमला करके वो ये इशारा करता है कि वो हारकोनन के अब बहुत करीब पहुंच चुका है। रब्बान अपनी सेना लेकर उसे लड़ने तो जाता है, पर मोदीप को देखकर डर के भाग जाता है क्योंकि पॉल ने बड़े ही चालाकी से अपने दूसरे नाम मोदीप का डर हर जगह फैला दिया है। हारकोनन से लेकर सम्राट तक सभी की उसके नाम से फटने लगी है। इस हमले के बाद सम्राट अपनी बेटी से मोदीप को लेकर और प्रिंसेस एरुलन कहती है कि धर्म की आग को और बढ़ने दो और जब युद्ध अपने चरम पर होगा तो बीच में जाकर समझौता करो। सम्राट के पास से बाहर जाने के बाद प्रिंसेस एरुलन अपने गुरु माँ से कहती है कि ये मोदीप पॉल अट्रेडेसी है, तो वो कहती है कि ये बात किसी को पता ना चले वरना परम वर्ष अट्रेडेस वंश को खत्म करने के लिए तुम्हारे पिता से युद्ध करेंगे और उनकी कोशिश चली जाए। तो अब बेनी गेजरेट की गुरु माँ एक और चाल चलती है, वो गेम में पेद्रोता को उतारती है क्योंकि वो जानती है कि रब्बान की नाकामियों की वजह से हारकोनन का राजा लॉदेमेर उसे अराकिस से हटा के अपने सबसे छोटे भतीजे पेद्रोता को अराकिस की कमान सौंपेगा। यानी अब दो उम्मीदवार हैं जो सम्राट बन सकती हैं, एक पॉल अट्रेडेस और दूसरा पेद्रोता। गुरुमा जानती है कि वो पॉल को कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए वो पेद्रोता को काबू में करने की योजना बनाती है। ये सब करने के पीछे कारण है बेनी गेजरेट की सत्ता पर सीक्रेट पकड़, जो पॉल के आने से खत्म हो सकती है। तो अगले सीन में अब हमें हारकोनन का ग्रह दिखाया जाता है, जहाँ पेद्रोता के जन्मदिन की तैयारी चल रही होती है। जन्मदिन की खुशी में पेद्रोता को 3 अट्रेडेस कैदियों से लड़ाई करवाई जाती है, जिसमें से 2 कैदियों को नशीली दवाई दी जाती है, पर जागीरदार बरौन
एक कैदी को जानबूझकर दवाई नहीं देता। वो परखना चाहता है कि उसका भतीजा आराकिस की जिम्मेदारी संभाल सकता है या फिर नहीं। वही इस लड़ाई को देखने के लिए बेने गेसेरेट का ग्रुप भी आया होता है। सबकी उम्मीदें फेदरोता पर होती है और फेदरोता सभी की उम्मीदों पर खरा उतरता है। वो ये लड़ाई आसानी से जीत जाता है। फेदरोता एक बहुत ही सनकी ताकतवर और शूरवीर हारकुनन है। वो बहुत ही ब्रूटल है और इसलिए उसका चाचा उसे आराकिस की कमान सौंपता है रब्बान को हटा के। वही भी वो उसे बताता है कि परम वंश सम्राट से लड़ाई करेंगे क्योंकि उन्होंने एट्रियस का पूरा वंश मिटाया था, तो अगला सम्राट तुम बनोगे। जश्न की रात गुरुमा लेडी मार्गोट को फेदरोता के पास भेजती है क्योंकि उसकी एक ही कमजोरी है, औरतें। लेडी मार्गोट उसके साथ शारीरिक संबंध बना के उसे काबू में करती है और कई दिनों के बाद आकर गुरुमा से कहती है कि उसे एक लड़की होगी, जैसा कि उनका प्लान था। साथ ही में वो फेदरोता के बारे में बहुत सारी बातें भी बताती है, जैसे कि वो सनकी है, ब्रूटल है, पर उसूलों का पक्का है और किसी से नहीं डरता। उसे दर्द से लगाव है, जो कि एक अच्छे योद्धा की निशानी होती है। अब अगले सीन में बरॉन व्लादिमीर फेदरोता को आराकिस का नया गवर्नर बना के मोहद्वीप का शिकार करने भेज देता है। उसके अगले सीन में हमें देखता है कि पॉल के पिता का वफादार करनी एलेक, जिसे सबने समझा था मर चुका है, दरअसल वो स्पाइस की तस्करी करने वालों के साथ रहकर जिंदा है। उसने बचे हुए अट्रेडिस लोगों को अपने ग्रह भेज दिया और वो यहीं पर रह गया क्योंकि उसे अपने राजा का बदला लेना था, जो कि वो रब्बान को मारकर लेगा। अब करनी सभी फ्रेमिन और पॉल को ऑटरडेस का गुप्त हथियार गृह दिखाता है, परमाणु हथियार, जिसमें इतने पावरफुल हथियार होते हैं कि पूरे अराकिस प्लेनेट को उड़ा सकते हैं। उसके अगले सीन में लेडी जेसिका साउथ के एक मंदिर में जाती है, जहाँ हुलुद यानी उन्हें रेतीले कीड़ों को पाला जाता है। अब जेसिका एक औरत को उस प्रोसेस को करने को कहती है, जिससे हुलुद का नीला विष निकाला जाता है, जिसे वो वाटर ऑफ लाइफ कहते हैं। इसे निकालने के लिए पहले हुलुद को पकड़ना पड़ता है और फिर उसे पानी में डुबोना पड़ता है। पानी में वो मर जाता है और फिर कुछ इस तरह से वाटर ऑफ लाइफ को निकाला जाता है। अब लेडी जेसिका अपनी मायावी आवाज से उस औरत को ऑर्डर देती है कि पॉल को ये विष पीने देना, वो कुछ ही दिनों में ये विष पीने जरूर आएगा। अगले सीन में फेदरोता फ्रेमिन की सेजताब नाम की एक जगह पर सीधा हमला कर देता है और कई फ्रेमिन इसमें मारे जाते हैं और कई लोग घायल होते हैं, जिसमें स्टेलगार भी शामिल है। इस हमले को देखते हुए दक्षिण के सभी समूह एक मीटिंग रखते हैं, जिसमें मोहद्वीप को भी बुलाया जाता है, पर वो वहाँ जाने से मना कर देता है क्योंकि वहाँ पर अपनी बात रखने के लिए उसका सरदार होना बहुत जरूरी होता है और सरदार बनने के लिए उसे स्टेलगार को मारना पड़ेगा क्योंकि स्टेलगार एक सरदार है, पर वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। इसलिए अब वो आत्मा उसे मदद मांगता है और कुछ आवाजें उसे लाइफ ऑफ वाटर पीने को कहती है। यहाँ दूसरी तरफ रब्बान जो सारी जिंदगी नहीं कर पाया, फेदरोता वो कुछ ही दिनों में कर देता है। वो अपने हमलों से फ्रेमिन को उत्तर से खदेड़ कर पूरा उत्तर अपने कब्जे में कर लेता है और इधर पॉल वो विष पी लेता है और बेहोश पड़ जाता है, जब तक कि चैनी आकर उसे लाइफ ऑफ वाटर के साथ अपने आंसू नहीं पिलाती। दरअसल चैनी का मतलब होता है रेगिस्तानी बाहर, और इसलिए रेगिस्तानी बाहर के आंसू पीकर पॉल वापस उठ पाता है। ये सारी चीजें भविष्यवाणी से जुड़ी होती है। जब पॉल बेहोश होता है तो उसे समंदर के पास अपनी बहन दिखती है, जो कहती है, जो कुछ भी होने वाला है उसके लिए अब तुम पूरी तरह से तैयार हो। अब मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जो भी लाइफ ऑफ वाटर को पीता है उसे अनोखी शक्तियां मिलती है, या तो फिर वो मर जाता है, और इसलिए पॉल भी उठने के बाद एकदम से बदल जाता है क्योंकि वो अब आने वाले कल को साफ साफ देख पा रहा था। और हाँ, एक बात याद रखना कि पॉल के पास जन्म से ही ये शक्तियां थी क्योंकि वो एक बेनी गेसेरेट का बेटा था, पर पहले उसे फ्यूचर को लेकर धुंधले सपने आते थे, लेकिन अब सभी पर्दे हट चुके हैं और उसे फ्यूचर साफ दिखाई दे रहा है। फ्यूचर की सारी संभावनाएं उसके सामने है क्योंकि लाइफ ऑफ वाटर ने उसकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ा दी है। इन सब के साथ उसे ये भी पता चलता है कि उसकी माँ हारकुनन जागीरदार बराउन की बेटी है, यानी पॉल के अंदर अट्रेडियस और हारकुनन दोनों का खून है, यानी कि उसके एक वंश ने उसके ही दूसरे वंश का खात्मा कर दिया। अब अगले सीन में वो सभी फ्रेमिन कबीलों को जंग के लिए अपनी तरफ करता है और सम्राट को एक एट्रेडियस होने के तौर पर युद्ध की चुनौती भेजता है। इधर प्रिंसेस एरोलन को पता चलता है कि गुरु माँ ने ही सम्राट को एट्रेडियस का पूरा वंश खत्म करने की सलाह दी थी
पिछले पार्ट में जब गुरु माँ ने पॉल की परीक्षा ली थी तो वो समझ चुकी थी कि पॉल कोई गैजेट नहीं है और उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने ये सब किया और पॉल बच गया। अब उसके पास एक ही रास्ता है, सत्ता में अपनी पकड़ बनाए रखने का और प्रिंसेस एरोलन को प्रिंसेस बनाए रखने का। जो भी जीतेगा एरोलन को उससे शादी करनी पड़ेगी। इधर चैनी पॉल से अब भी नाराज है, वही सम्राट अपनी सारी सेना लेकर अराकीस पहुंच चुका है। सम्राट को यहाँ आते देख जागीरदार लोदमिर परम वंशों को संदेशा भेजता है। यहाँ आते ही सम्राट अपना सारा प्रेस्टेशन जागीरदार पर निकालते हैं और उधर बहुत सारे प्रेमिन और अपने अट्रेडियस परमाणु हथियारों के साथ इतिहास के सबसे बड़े रेतीले तूफान के साथ सम्राट पर हमला कर देता है। अट्रेडियस के सदियों तक जमा किए परमाणु हथियार, अराकीस के रेतीले कीड़े, रेमिन की जावा सेना और पॉल की दूरदृष्टि के आगे सम्राट की सेना टेक नहीं पाती। पॉल अंदर जाकर सम्राट के सामने अपने नाना जागीरदार को मार देता है और सम्राट के साथ बाकी सबको बंदे बना लेता है। इधर दूसरी ओर करनी एलेक भी रब्बान को मार के अपना बदला पूरा कर लेता है और अगली सुबह मोदेव के लड़ाई जीतने के बाद सभी एक जगह मौजूद होते हैं और वही परम वंशों के जंगी जहाज ने अराकीस प्लेनेट को चारों ओर से घेर लिया होता है। अब पहले तो पॉल परम वंशों को चेतावनी भेजता है कि अगर उन्होंने हमला किया तो वो स्पाइस की सारी मशीनें उड़ा देगा और उसके बाद सम्राट को अपना लड़ाकू चुनने को कहता है और मौके की तलाश में बेटा फेदरोता आगे आता है। रिश्ते में वो दोनों भाई लगते हैं और इनमें से कोई एक ही सम्राट बन सकता है, तो दोनों में मैन टू मैन फाइट होती है और बेशक फेदरोता पॉल पर भारी पड़ता है लेकिन पॉल बड़े ही चालाकी से उसे मार देता है। मरते वक्त फेदरोता के चेहरे पर बस चैतानी मुस्कान होती है। इसके बाद सम्राट और बाकी सब पॉल के आगे झुकते हैं। प्रिंसेस एरोलन पॉल से शादी करने के लिए मान जाती है, बदले में वो पॉल को अपने बाप की जान बख्शने को कहती है। वही दूसरी ओर चैनी गुस्से में दक्षिण की ओर वापस लौट जाती है लेकिन परम वंश पॉल को बादशाह स्वीकारने से मना कर देती है और अब पॉल उनके खिलाफ जंग छेड़ देता है। ये जंग कैसी होगी और इसके नतीजे कैसे निकलेंगे ये हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। ड्यून पार्ट 2 बहुत सारी चीजें ड्यून यूनिवर्स के बारे में क्लियर करता है। भले ही चैनी जैसे लोगों को भविष्यवाणी जैसी चीजों पर विश्वास नहीं है पर भविष्यवाणी सच होती नजर आ रही है। ये समझ में आ रहा है कि पॉल वाकई में भविष्यवाणी में जिस लेसन अलकाइब का जिक्र हुआ था वही है और इसलिए पॉल फेदरोता को मार पाया था क्योंकि वो भविष्य की हर संभावना को अच्छे से जानता है। चैनी पॉल से इसलिए नाराज थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई बाहर का आकर उसके लोगों को आजादी के नाम पर गुलाम बनाए। वही पर पॉल ने जो अपने सपनों में देखा था कि अरबों लोग पूरी गैलेक्सी में भूख से मर रहे हैं वो अब सच होने वाला है क्योंकि अब पॉल परम वंशों से युद्ध करने वाला है जिसका अंजाम बस तबाही है।